तो आज मैं आप सभी को हमारे गेम में आने वाले एक न्यू कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छा, जिसको देखने के बाद मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि गरीना वाले एक ऐसे कैरेक्टर को ला रहे हैं जिसकी एबिलिटी एकदम एक हैकर जैसी एबिलिटी है। हैकर मतलब के हम एनिमी को तो देख सकते हैं लेकिन एनिमी हमें नहीं देख सकता। हम एनिमी को तो मार सकते हैं लेकिन एनिमी हमें नहीं मार सकता। तो कुछ ऐसा ही है इस न्यू कैरेक्टर की एबिलिटी। तो चलिए मैं आप सभी को इस न्यू कैरेक्टर की एबिलिटी गेम में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इसकी एबिलिटी क्या है और ये कैसे गेम में वर्क करता है। तो गरीना वालों ने इस न्यू कैरेक्टर का अभी फेस तो रिवील नहीं किया है लेकिन सिर्फ अभी इसका एबिलिटी रिवील हुआ है जो कि इस न्यू कैरेक्टर के पास तीन तीन एबिलिटी है। तो इस कैरेक्टर की सबसे पहली एबिलिटी ये है कि इस कैरेक्टर के पास से एक ड्रोन निकलेगा और कोई भी एनिमी 100 मीटर के अंदर छुपकर बैठा हुआ होगा उसे ये जाकर लग जाएगा और जैसे ही ड्रोन एनिमी को जाकर लगेगा एनिमी को 25 डैमेज पड़ेगा मैक्स लेवल पर। तो यहां तो एनिमी को 25 डैमेज नहीं पड़ा क्योंकि यहां पर जो कैरेक्टर है वो मैक्स लेवल का नहीं है लेकिन जब आप इसको मैक्स लेवल का कर लोगे तो एनिमी को 25 डैमेज पड़ेगा। और इस ड्रोन से सिर्फ एक एनिमी को डैमेज नहीं पड़ेगा बल्कि उस 5 मीटर के एरिया के अंदर और भी जितने एनिमी या फिर उसके टीममेट्स होंगे उन सभी को डैमेज पड़ेगा इस ड्रोन से। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर एक ही ड्रोन से सारे एनिमी को डैमेज पड़ा। तो ये था इस न्यू कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी जिसमें अगर कोई भी एनिमी 100 मीटर के एरिया के अंदर छुपा हुआ होगा तो आपका ड्रोन वहां जाकर फूट जाएगा और उस 5 मीटर के एरिया के अंदर जहां पर आपका ड्रोन फूटेगा उसमें जितने भी एनिमी होंगे उन सबको डैमेज पड़ेगा आपके ड्रोन से। तो इस कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी यह है कि आपका ड्रोन एनिमी के पास जाकर फूटने के बाद उस 5 मीटर के एरिया के अंदर जितने भी एनिमी होंगे उनको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जिसकी वजह से उन सभी का मूवमेंट स्पीड 50% कम हो जाएगा। मतलब कि वो लोग चल ही नहीं पाएंगे 5 सेकंड के लिए जितनी भी एनिमी उस 5 मीटर के एरिया के अंदर होंगे। तो ये था इस न्यू कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी जिसमें उन लोगों को शॉक लगेगा जिसकी वजह से उनका मूवमेंट स्पीड कम हो जाएगा 5 सेकंड के लिए। और अब आता है इस न्यू कैरेक्टर की तीसरी एबिलिटी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? छोटी बच्ची हो क्या? तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 3 तक गिन रहा हूँ, 1, 2, 3। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी मेरी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। तो अब आ जाते हैं वापस अपने वीडियो पे। तो अब आता है इसी न्यू कैरेक्टर की तीसरी एबिलिटी। तो इसकी तीसरी एबिलिटी यह है कि आपका ड्रोन एनिमी के पास जाकर फुटने के बाद उस 5 मीटर के एरिया के अंदर जितने भी एनिमी होंगे उनका मूवमेंट स्पीड कम होने के साथ ही साथ उनका फायरिंग करने का भी स्पीड जो है वो 35% कम हो जाएगा 5 सेकंड्स के लिए। मतलब कि उनके गन में से गोली निकलना 35% स्लो हो जाएगा। तो ये था इस न्यू कैरेक्टर की तीसरी एबिलिटी। और इसी के साथ हमने इस न्यू कैरेक्टर की तीनों एबिलिटी को तो देख लिया है जिसमें अगर कोई भी एनिमी हमारे 100 मीटर के एरिया के अंदर छुपा हुआ होगा तो हमारा ड्रोन वहां पर जाकर फूट जाएगा और उन लोगों को डैमेज पड़ेगा जितने भी एनिमी उस 5 मीटर के एरिया के अंदर होंगे और उसके बाद उनका जो मूवमेंट स्पीड है वो 5 सेकंड्स के लिए 50% कम हो जाएगा और उनका फायरिंग स्पीड जो है मतलब कि उनका गोली निकलने का जो भी स्पीड है वो भी 35% कम हो जाएगा 5 सेकंड्स के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस कैरेक्टर के गेम में आने के बाद क्या होगा? गेम खराब होगा या फिर